तोहद की तीन किस्में हमने देखी थी और फिर हमने ये पढ़ा था कि तोहद उलूत जो है वो वही अहम मकसद था अम्बिया आसलम का मबूस होने का यानी अम्बिया आल्लम की जो मेन दावत थी वो तो उलोहीत पर थी क्योंकि तोहिद रबूबियत मश्रक मक् तस्लीम करते थे लेकिन उलोहीत में वो शिरक करते थे फिर हमने तोहहीद आसमा सिफात आखिर में देखे थे कि तोहीद सिफात क्या है अल्लाह ताला के आस्माव और सिफात पर ईमान लाना किस तरह होना चाहिए और हमने इसमें पांच चीजें देखी थी कि तोहीद आसमाव सिफात पर ईमान जो है वो उसका माने को कैसे उसके मीनिंग्स को किस तरह से तस्लीम किया जाएगा यानी जो ज़ाहरी माना है जो ऑबियस जो अपेरेंट मीनिंग है उसी को लिया जाएगा और उसकी ताबील नहीं की जाएगी उसकी कैफियत बयान नहीं की जाएगी उसको उसकी तातील यानी निगेट नहीं किया जाएगा उसकी तमसील और तशबी नहीं बयान की जाएगी और उसकी तफवीज नहीं की जाएगी ये हमने छ चीजें देखी थी असमां और सफ़ात में आवाज आप लोगों को सही आ रही है अभी हमारे पास चूँकि क्लास के शुरू में ही मगरब का टाइम हो जाता है तो क्लास के लिए हमारे पास जो है वो सिर्फ आधा घंटा रह जाता है और उस आधे घंटे में चूँकि अकीदा एक बहुत ही एक बड़ा सब्जेक्ट है और कॉन्सेपचुअल सब्जेक्ट है तो होनी तो इसकी दो क्लासेस चाहिए लेकिन इन जब आगे मगरब और पीछे चली जाएगी तो इनशाला हमारे पास पूरा एक घंटा होगा तो मसला ये आता है कि हमारे क्लास में क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं हो पाता टॉपिक्स कवर हो जाना यही बड़ी बात होती है और फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन जाहिर सी बात है पार्टिसिपेंट्स भी ज्यादा हैं तो जब पार्टिसिपेंट्स ज्यादा हैं तो सवाल जवाब भी ज्यादा होंगे और उसके लिए अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड है तो सवाल जवाब ये तो जाहिर सी बातें होने चाहिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी एकेडमिक uh, लेसन का तो इसका हल यूं हो सकता है एक तो यह है कि जब थोड़ा और पीछे चली जाएगी तो हमारे पास फुल एक घंटा मिल जाएगा तो हम उसमें से दस मिनट का या पंद्रह मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे अभी अगर किसी के पास सवाल हैं अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसका हल ये है कि अभी मैं यहां पे लूंगा तो टाइम इसी में गुजर जाएगा वैसे आज तो थोड़ा वैसे भी लेट हो गया है नेक्स्ट क्लासेस में भी क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ आधा घंटा ही रह जाता है हफ्ते में एक ही क्लास होती है तो कर यूं सकते हैं कि आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ईयर वन वालों का वो एडमिन से रिक्वेस्ट कर दें कि वो सवाल मतलब जिसको सवालात हैं वो एडमिन को पास ऑन कर दें कि वो मुझसे पूछ लें तो वो एडमिन जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर देगा तो मैं इनशाला उसको वो जवाब जो है वो दे दूंगा इनशाला अभी फिलहाल यूं ही हो सकता है फिर इनशाला जब अः हमारे पास एक घंटा होगा पूरा तो हम इनशा सवाल जवाब का सेशन भी रखेंगे अच्छा हमने तातील आ, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने तातील नहीं पढ़ी तातील ठीक है हम इन्शाला... मैं एक एक काम करता हूँ सर एडवाइस कर देता हूँ अभी हमारे पास कितना टाइम है पंद्रह मिनट है ठीक है ठीक है आप लोगों के सामने स्क्रीन आ रही है देखिए असमावात में हमने ये बात की थी कि असमावात पर ईमान लाना कैसे ईमान लाया जाएगा हकीकी माना जो कि जहरी माना जो कि अपेरेंट मीनिंग है यानी असमान सफात असमांवात पर ईमान कैसे होगा जो कि ऑब्वियस मीनिंग कहलाता है ओब्वियस अपेरेंट आउटवर्ड मीनिंग ठीक है वह माना लेंगे बगैर लेंगे बगैर बगैर तावील के तावील हमने पढ़ लिया था क्या होता है इसको reinterpretation कहते हैं ये कह लें फिगरेटिव या मेटाफॉरिकल मेटाफॉरिकल या फिगरेटिव रि इंटरप्रिटेशन ठीक है और ये हमने मिसाल से हमने देख लिया था इंशाल्लाह जिसको अगर समझ नहीं आया तो वो दोबारा से लास्ट वीडियो देख ले दूसरा हमने तो तावील क्या है फिगरेटिव रि इंटरप्रटेशन यानी उसको लिटरल सेंस में नहीं लेना ज़ाहरी माना में नहीं लेना बल्कि मरजू मना लेना और उसका कोई यानी सिया भी ना बता रहा होतावील दूसरा हमने देखा था कि बगैर यानी अल्लाह ताला के आसमान से बात को जाहिरी माना पर लेना बगैर तावील के बगैर बगैर तमसील के तमसील मैंने बताया था कि बिल्कुल ही बेआई नहीं मखलूक के हर हर चीज में मुशाबे करना जिसको कहते हैं अल्लाह ताला की सफात को अल्लाह ताला का हाथ कैसा है मखलूक जैसा इसको कहते हैं तमसील बिल्कुल बे नहीं एज इट इज मखलूक जैसा तीसरी मैंने आपको पढ़ाई थी तशबी बगैर तशबी के यानी कंपैरिजन करना तशबी यानी किसी यानी उस बे ही नहीं बे आईनी कंपेयर ना करना बे ही तस्बी ना देना क्योंकि बे आईनी हर हर चीज में तत्वीक देना या हर हर चीज में अल्लाह ताला की तफा को मखलूक के मिसाल समझना उसको कहते हैं तमसील लेकिन अगर हर हर चीज में ना हो कुछ चीजों में हो तो उसको तस्बी कहते हैं ठीक है चौथी हमने पढ़ी थी बगैर कैफियत के बग़ैर कैफियत बयान की है यानी कैफियत अल्लाह ताला के हाथ कैसे हैं उसकी कैफियत नहीं बयान की अल्लाह ताला अरश पर मुस्तवी है किस तरह कैफियत मालूम नहीं है ठीक है बगैर कैफियत बयान की है बगैर कैफियत बयान किए यानी ये हाउ का सवाल नहीं पूछा जा जाएगा कैसे ये नहीं पूछा जाएगा अल्लाह ताला की सिफात में कि अल्लाह ताला की अल्लाह गुस्सा कैसा है बल्कि इसमें क्या जवाब में इसे ही सिर्फ यही कहा जाएगा कि अल्लाह ताला तला जैसे कि अल्लाह की शान गुलायक है फिर पांच हमने जो है वो तातील के बगैर तातील के तातील कहते हैं निगेशन निगेशन यानी नफ़ी यानी अल्लाह ताला के असमान सिफात की नफी कर देना अल्लाह ताला समी नहीं है अल्लाह तसीर नहीं है अल्लाह त हाथ नहीं है अल्लाह तला का चेहरा नहीं है इसको कहते हैं तातील यानी नफ़ी और छठी जो चीज है वो है तफवीज तफवीज ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में यानी अल्लाह ताला के अल्लाह ताला ने जहाँ बताया कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा किया तो वहां हाथ का क्या माना है हमें नहीं मालूम यानी माने मीनिंग को सरेंडर कर देना मीनिंग को सरेंडर कर देना यानी हमें नहीं पता हम अल्लाह के सपोर्ट करते हैं उसका माना हम अल्लाह के सपर्द करते हैं अल्लाह तला का गुस्सा कैसा है मीनिंग हमें नहीं पता अल्लाह के सपुरद कर देना अल्लाह के हवाले कर देना अल्लाह को पता है हमें नहीं पता इसको कहते हैं तफवीज ठीक है खुलासा अल्लाह तल्ला के आसमां का ऑबियस अपेरेंट लिटरल मीनिंग लिया जाएगा बगैर तावील के बगैर तमसील के बगैर तशबी के बगैर कैफियत बयान किए और बगैर तातील के वैसे तशबी और सॉरी और तमसील दोनों ही एक दूसरे के माना में इस्तेमाल होते हैं लेकिन थोड़ा बारीक सा फर्क है जो कि मैंने आपके सामने जिक्र किया तमसील और तशबी दोनों एक ही माना में इस्तेमाल हो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा बारीक सा फर्क है जो कि कुछ अहले जिक्र किया है जो कि मैंने आपके सामने बयान कर दिया यानी हर हर चीज में अगर हर हर चीज में अगर तशबी हो तो उसको तमसील कहेंगे लेकिन अगर हर हर चीज में तशबी नहीं हो लेकिन कुछ चीजों में कुछ एस्पेक्ट में तस्बी हो तो उसको तशबी कहेंगे देखिए असल में मसला क्या है मसला मैं आपको ये बता दू मसला क्यों हम इस तरह की तारीफ हैं ये क्या साहबा ने की इस तरह से तारीफ क्या अलग नबी वसलम ने हम इस तरह से बताया कि अल्लाह तस्मान सफ़ात पर इस तरह से ई लाया जाएगा अगर है तो कोई दलील बताए देखें असल असल मसला क्या है माना ये रसूल से इस तरह के अल्फाज और इस तरह की चीज़ नसन, सराहतन साबित नहीं है ना सहाबा इन चीज़ों में बहस करते थे मसला तब हुआ मसला ये तब आया जब मुसलमान फिलोसफर्स से मुतासर होने लगे ये खलीफा मामून आ, मामून का अब्बास की खिलाफत में खलीफा मामून का दौर था कि यूनानी फलसफा ग्रीक फिलोसफी की ट्रांसलेशंस मैसिव ट्रांसलेशन हुई अरेबिक में जिसको कहते हैं बैतुल हिकमा हाउस ऑफ विजडम तो उसमें जो है वो ग्रीक फिलोसफी पढ़ी गई पढ़ाई गई और इसको एक रैशनैलिटी का नाम दिया गया यानी जो एरिस्टोटल जो सोक्रेटिस जो प्लेटो अफलातून सुकरात अरस्तु और प्री सोक्रेटिक जितने भी फलासफा थे वो जिस चीज़ को वो जिस अपनी अकल से पहचानते थे उसको एक अकल का नाम दिया गया कि ये चीज़ें जो है वो अकल ये हम यानी ये कंक्लूजन ये नतज हमने अपनी अकल से साबित किए अब हुआ यूं कि जब खलीफा मामून के दौर में ग्रीक फिलासफी इंट्रोड्यूस हुई मुसलमानों के यहाँ तो इन्होंने क्या किया उन्होंने ग्रीक फलासफी को अकल का नाम दिया और शरीयत को जो लाए थे वो शरीयत थी एक तरफ एक तरफ रीजन अकल था तो उन्होंने देखा कि कुछ एस्पेक्ट्स में बल्कि काफी एस्पेक्ट्स में जो ग्रीक फिलासफी थी वो कॉन्फ्लिक्ट में थी शरीयत के साथ ठीक है जैसे कि अल्लाह ताला के अस्मा सिफात क्योंकि हमारा टॉपिक यहाँ पे अल्लाह के आसमाव सिफात है इसलिए मैं सिर्फ यहीं पर रहूंगा अगर चाहिए टॉपिक बहुत ही बड़ा और बहुत ही वसी है और ये आज के दौर के दौर के लिए एप्लीकेबल है कि साइंस और इस्लाम शरीयत जब कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए तो सोल्यूशन क्या है अच्छा देखें जी तो अभी हमारा टॉपिक असमा और है अब ग्रीक फिलोसफी जो कि वो अकल से पहुंचे थे ग्रीक फिलोसफी जो चीज साबित कर रही थी वो वो अकल रैशनैलिटी से पहुंचे थे जो नतज उन्होंने अखज किए ग्रीक फिलोसफी से जी खलीफा मामून रशीद खली आ, सवाल आया खलीफा मामून रशीद जी खलीफा मामून रशीद अब्बासी दौर में आ, मैं ये कह रहा था कि ग्रीक फिलासफी जो है हाँ मैं ये कह रहा था कि ग्रीक फिलासफी जिस जो नतज साबित करती थी उसको ये कहा कह जा जाता था कि ये अकल से नतज साबित हो रहे हैं लेकिन जो ग्रीक फलासफी जिन नतज तक पहुंचती थी वो नतज कॉन्फ्लिक्ट में थे तारुज में थे जो शरीयत साबित कर रही थी खूस अल्लाह तला के असमान सफात के हवाले से यानी अल्लाह तला के असमान सफात के हवाले से ग्रीक फलासफी और शरीयत कॉन्फ्लिक्ट में थी कैसे बहरहाल बहुत लंबी चौड़ी बहस है मैं सिर्फ आपको एक ख़ुलासा बता रहा हूँ ताकि आपके ये जहन में ये ना आए कि हम ये इस तरह की तारीफ़ और इस तरह की बहसों में क्यों पढ़े हैं? तावील तफीस तातील ये ये क्यों हम डिफ़ाइन कर रहे हैं क्या साहबा इस तरह के सवाल करते थे कि या साहबा इस तरह से कहते थे नहीं सहाबा इस तरह से नहीं कहते थे लेकिन मसला तब हुआ हमें यह कहना तब पढ़ा बग़ैर तातील के बग़ैर तफ्स के बग़ैर तशबी के हमें यह कहना तब पढ़ा जब ग्रीक फ़िलासफी इंट्रोड्यूस हुई और उसने बहुत ज़्यादा फसाद और फसाद बरपा के अकायद में देखें ये कहते थे कि मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला अल्लाह ताला के भी यद, यद माना हाथ हाथ अल्लाह ताला की भी हाथ कुरान और सुन्नत में साबित है और बंदा यानी मखलूक मखलूक का भी यद साबित है मखलूक का भी हाथ होता है अब चूंकि खालिक और मखलूक में दोनों एक ही मुश्तरक दोनों एक ही सिफत पाई जा रही है लिहाजा अगर हम अल्लाह ताला के लिए भी यही सिफत साबित करते हैं और बंदे के लिए भी यही सिफत साबित करते हैं तो फिर इसमें तशबी लाजमारी तशबी यानी अल्लाह ताला की मखलूक से तशबी लाजमारी चूंकि बंदे की मखलूक के भी हाथ है और कुरान ने बताया कि अल्लाह के भी हाथ है अगर अल्लाह ताला के हाथ को लिटरल, ऑब्वियस, अपेरेंट, जाहरी माना मिलेंगे, तो बंदे की सिफात के साथ अल्लाह ताला की सिफात में तश्बी वाकई होगी ठीक है तो अब वो क्या कहते हैं कि जी अगर तशबी वाक्य हो गई और अल्लाह तला ने कुरान में फरमाया अल्लाह की कोई मिसल नहीं अल्लाह जैसा कोई नहीं तो लिहाजा अल्लाह तला तक हाथ इसको लिटरल सेंस में अपेरेंट ऑबियस मीनिंग जहरी माना से हट कर इसकी तावील की जाएगी दूसरे माना की तरफ क्योंकि अगर हम अल्लाह तला का यद ऑबियस लिटरल सेंस में लेंगे तो बंदे की सिफात के साथ अल्लाह तला की तस्बी वाकई होगी जब बंदे की अल्लाह को हमने मखलूक से तस्बी दे दी तो फिर अल्लाह तला का ये फरमान लई शकम इसलिए लि शई देर इज नाइक अनु हेम उसकी तरह कोई नहीं है उसकी मिसल कोई नहीं है उसकी तस्वीर किसी से नहीं है तो फिर इस अल्लाह फरमान का क्या करेंगे तो लिहाजा वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला के भी हाथ कुरान हदीस में आते हैं बंदे के भी हाथ तो इससे क्या तशबी खालिक की मखलूक के साथ तशबी लाजम आती है अब इन्होंने सोल्यूशन सोचा अब इन्होंने सोल्यूशन अच्छा अब हल क्या है इनके पास हल किया है फलासफा के पास सोल्यूशन इन्होंने सोचा पहला सोल्यूशन इन्होंने ये किया ताबील कर दें यानी जहां कुरान और हदीस में अल्लाह ताला के हाथ का जिक्र है वहाँ पे उसको फिगरेटिव या मेटाफोरिकल या एलेगोरिकल या मजाज सब कह लें मेटाफोरिकल माना में लेंगे यानी अल्लाह ताला के हाथों को अल्लाह ताला की दीगर सिफात को गुस्सा नाराजगी और खुशी और अल्लाह ताला का राजी होना अल्लाह ताला का आसमान दुनिया पर रजूल करना ये जितनी दीगर सिफात है उनकी तावील की जाएगी तो लिहाजा अब हम यहाँ पे हाथ हाथ को हम यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और फिर इसको आगे लेके हैं। तब अल्लाह ताला के हाथ, तवील की जाएगी अल्लाह त्याद मैंने आदमी को कुवत से पैदा किया हाथ का लिटरल माना लेंगे बल्कि हाथ का यह माना लेंगे कि अल्लाह तुम कुछ फिर हम ऐतराज हम कौनसन्ना अहल सुनना एतराज करते हैं कि अच्छा जी तो फिर आप अगर तावील करते हो अल्लाह तला के हाथों की कुवत के साथ तो फिर मखलूक के पास भी कुत है है कि नहीं है मखलूक के पास भी कुत है लिहाजा यहाँ पे भी जहां से आप भागना चाह रहे थे वहां आप खुद दाखिल हो गए लिहाजा यहाँ पे भी तशबीवा के हो रही है खालिक की मखलूक के साथ विद रिस्पेक्ट टू कुत फिर इन्होंने फिर इस चक्कर में दूसरा ग्रोह बन गया दूसरा गुरु आया उन्होंने कहा नहीं जी हम ताबील नहीं करेंगे बल्कि हम तफवीज करेंगे माना क्या है हमें नहीं पता हम सुपर्द कर देंगे अल्लाह तला के क्योंकि अगर हम माना कोई भी बयान करते हैं तो वो मखलूक के लिए भी वो माना बयान हुआ है तो जब मखलूक के लिए और ख़ालिक के लिए माना मुश्तरक है तो तस्वीर आके आएगी लिहाजा हम माना बयान ही नहीं, नहीं करते हम क्या करेंगे तफवीज हम अल्लाह तला के सुपुर कर देंगे माना को जब अल्लाह तला के सुपर्द कर देंगे मिसाल के तौर पर अल्लाह तला के हाथ का क्या माना है हमें नहीं पता हमें नहीं पता ठीक है हमें नहीं पता इससे अब हम एतराज करते हैं जब आप तफवीज करते हैं तो आपके बाद से ये लाजिम आता है कि अल्लाह ताला ने मुभम मानो के साथ हमसे कलाम किया अल्लाह ताला ने कुरान में अनक्लियर बातें की हैं जिसका माना तुम नहीं जानते और ये शरीयत के एन खिलाफ है क्योंकि दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान मुबीन बिल्कुल हर हर चीज हर हर चीज़ करके एक्सप्लिसिट है कोई चीज़ गैर वाजे नहीं है तो लिहाजा इससे उन आयत का हम एतराज करते हैं कि इससे उन आयत का इनकार लाजि आएगा जहां पे अल्लाह ते बयान किया है कि हमने कुरान को तिबियान अलकुल्ली शाही हर चीज वाजे बना भेजा है तो अगर तुम तफवीस करते हो तो तुम्हारी बात से ये लाजिम आएगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि उनका माना पता नहीं तो ऐसी बातें करने का मकसद कोई नहीं तो बेमकसद बातें हुई तो लिहाजा फिर इसके चक्कर में तीसरा गुरु पैदा हुआ और उन्होंने क्या किया उन्होंने तातीली कर दी उन्होंने निगेट कर दिया उन्होंने कहा भाई अगर मैं ताबील करता हूँ तो भी तशबी वाकई हो रही है मैं तफवीज करता हूँ तो फिर ये शरीय शरीयत पर एक ब्लेम है एक कदा वाकई हो रही है तो लिहाजा मैं तातील ही कर देता हूँ मैं मानते नहीं अल्लाह कोई सिफात है मैं अल्लाह ताला का हाथ मानता ही नहीं मैं अल्लाह ताला का अल्लाह तला का सुनना मानता ही नहीं मैं अल्लाह तला का देखना मानता ही नहीं मैं अल्लाह तला का इस्तवा मुस्तवी होना ये भी नहीं मानता तो हम इस पर इस पर एतराज करते हैं जी तो फिर आपकी नजर में अल्लाह ताला अल्ला कौन है अल्लाह ताला अल्ला कौन है जो यानी जिसके हाथ नहीं जो सुनता नहीं ठीक है आपकी नज़र में यानी जो तातील करते हैं उनकी नजर में अल्लाह ताला कौन है जिसके हाथ नहीं जिसके जो सुनता नहीं जो देखता नहीं क्योंकि वो निगेट कर रहे हैं सारी सिफात को तो जब निगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा खुदा जो है उसके हाथ नहीं वो सुनता नहीं वो देखता नहीं इससे क्या लाजिम आ रहा है इससे क्या लाजिम आ रहा है इससे यह लाजिम आ रहा है कि तुमने ऐसी चीजों से दी जिसके हाथ नहीं हम ऐतराज करते हैं फिर ने एतराज करते हैं कि तुमने अल्लाह तला को ऐसी चीजों से तस्वीर दी तस्बी दी जिसके हाथ नहीं या जो सुनता नहीं तुमने ऐसी चीजों के साथ तशबी दे दी तो लिहाजा जहाँ तुम तशबी से बचने के लिए तातील कर रहे थे तुम तातील के जरिए खुद ही तशबी में वाक हो गए मुझे पता नहीं है कि आप लोगों के शायद ये बहस थोड़ी मुश्किल लग रही है मैं बिल्कुल इसको आसान करके और इख्तसार के साथ समझा रहा हूँ टाइम की कमी भी है और आप लोग भी सामने नहीं है तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही या नहीं आ रही अगर जिसको किन किन को समझ में नहीं आ रही वो यहाँ पे एवरी वन सेलेक्ट करके मैसेज करे मुझे समझ में नहीं आ रही तो मुझे अंदाजा हो जाएगा किन किन को नहीं आ रही है आपके दूसरे उस्ताद तो नहीं आ गए आपका टाइम हो गया है जी आपके दूसरे छात्र आ गए ठीक है फिर انشاءاللہ नेक्स्ट क्लास में रखेंगे सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशदुल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफुरुक व अतुब इलैक